नमस्कार मित्रों, मित्रों साल 2020 आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। नए साल की तरफ लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं। हर कोई चाहता है कि नया साल उनके लिए मंगलकारी हो। हर कोई कुछ ऐसे उपाय करना चाहता है जिनसे नए साल में उन्हें फायदा ही फायदा हो। अगर आप भी नए साल पर लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से ये चीज़ें तुरंत हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर। कहा जाता है कि घर में टूटी खाट या पलंग रखने से वैवाहिक जीवन में कलह होता है। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपके साथी के साथ आपका जीवन खुशी खुशी बीते तो घर से टूटा हुआ फर्नीचर हटा दें। टूटा हुआ कांच। घर में किसी भी तरह का कांच टूटा हो तो उसे तुरंत हटा दें, चाहे वो कांच का कोई बर्तन हो, फोटो फ्रेम हो या फिर शीशा हो। टूटा कांच वास्तु दोष लेकर आता है और इससे मानसिक तनाव भी बना रहता है। खराब घड़ी। अगर किसी भी तरह की खराब घड़ी पड़ी है तो उसे घर में कतई ना रखें। रुकी हुई घड़ी से भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका कोई भी काम नहीं अटके तो अपनी बंद घड़ी को तुरंत हटा दें। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम। नए साल पर घर में खराब पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर निकाल दें। खराब आइटम घर में पड़े पड़े कबाड़ बन जाते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप नए साल से पहले इन पुरानी चीज़ों को घर से हटा दें। खंडित मूर्तियाँ। नए साल के स्वागत से पहले पूजा घर अच्छे से साफ कर लें। मंदिर से खंडित मूर्तियाँ हटा दें। टूटी हुई या फिर खंडित मूर्तियाँ घर में रखना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, नए साल में इन बातों का जरूर खास ध्यान रखें। आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।